हेलो गाइस, भाई का नाम है समर। मालूम है गाइस, देखिए ये जो डोर क्लोजर है मैंने बनाया था, ये मैंने दो बनाए थे, देख सकते हैं यहाँ पर। ये 6 महीने ज्यादा हो गया है और गाइस इसे 1 साल से ज्यादा हो गया है, देखिए। और भाई इसे 6 महीने से ज्यादा हो गया है। तो गाइस इसका यूज करते करते मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया और भाई ये बहुत मस्त काम कर रहा है। देखिए देखिए पूरा दरवाजा खोल दूंगा, देखिए तो ये बहुत मस्त काम कर रहा है। तो गाइस लोग करते क्या है, मार्केट जाते हैं भाई से इस तरह डोर क्लोजर लेकर आते हैं जो कि फ्रेंड्स काफी कॉस्टली आता है। अब गाइस इसमें और मार्केट वाले में एक कमी है, गाइस इस दरवाजे को बंद तो कर सकते हैं लेकिन दरवाजे को रोक नहीं सकते, इनमें डोर स्टेपर वाला ऑप्शन नहीं है। तो गाइस आपको अलग से डोर स्टेपर भी लगाना पड़ता है क्योंकि फ्रेंड्स ऑटोमेटिक बंद कर देता है। तो गाइस आज इस वीडियो में ऐसा डोर क्लोजर बनेंगे, मतलब जुगाड़ से डोर क्लोजर बनेंगे जो फ्रेंड्स बहुत चीप बन जाएगा, 10-20 बन जाएगा। ऊपर से गाइस वो दरवाजे को ऑटोमेटिक बंद भी कर देगा और भाई से वो रोक भी देगा, उसके अंदर ही डोर स्टेपर का ऑप्शन भी लगाएंगे, फिट करेंगे जुगाड़ से। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत मस्त जुगाड़ होने वाला है। चलेगा इस बराबर चलते, ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं करना, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस इसके लिए हम लेंगे 1 कब्जा, जो है मैंने लिया 3 इंच का, आप 4 इंच का भी ले सकते हो, 2 इंच का भी ले सकते हो, जैसा गाइस दूर की लेंथ है उसके हिसाब से। अब इस कब्जे का यानी कि हिंज का हमें जो बीच की रॉड है इसे निकालनी है। यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब बड़ी मुश्किल से ये अलग हुआ है, इसकी रोड मैंने बिल्कुल निकाल दी है। तो भैया यहाँ पे लेनी है कुछ स्प्रिंग, गाइस मैं लेकर आया हूँ मोटरसाइकिल वाले भैया से। तो भाई ये रही वो स्प्रिंग जो मोटरसाइकिल का स्टैंड होता है खड़े करने का, उसकी ये स्प्रिंग होती है। तो भाई ये मुझे सिर्फ 5 रुपए की मिली है, तो पैसे या गाइस आप इन स्प्रिंग का भी यूज कर सकते हो, ये एलईडी में या ट्यूबलाइट में लगी हुई होती है, कंसील लाइट होती है, कंसील्ड एलईडी होती है, उनके अंदर लगी रहती है, तो भाई इनका भी यूज हो सकता है। तो फिलहाल ये अगर नहीं मिलेगी तो हम बाइक के स्टैंड का यूज कर सकते हैं। अब भाई इसमें हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना है वो देख लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह की स्प्रिंग ये बनी है। तो गाइस अब इस स्प्रिंग को हमें इसके अंदर फिट करना है और भाई ये रही रोड, फटाफट इसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो गाइस फटाफट अब इस कब्जे के अंदर हमें इस स्प्रिंग को फिक्स करनी है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का भाई ये कब्जा कंप्लीट हो गया, अब ये डोर क्लोजर बन चुका है, आप इसका यूज कर सकते हो डोर क्लोजर की तरह, ठीक। तो भाई ये तो मैंने आपको पहले वीडियो बना के दिखा दिया था, ठीक है, इतना अच्छा देखिए इसे करूंगा, देखिए ये ऑटोमेटिक दरवाजे खोल देगा। अब हमें इसके अंदर ये लगाना है डोर स्टेपर, यानी फ्रेंड 2-in-1 इसे बनाना है जो कि फ्रेंड दोनों काम एक साथ करेगा, ये अकेला करेगा। तो भाई इस जुगाड़ को करने के लिए मैंने 2 लोहे की पत्ती ले ली है, असल में ये 1 कब्जा ही था बेकार हो गया तो भाई मैंने कट कर लिया है। तो भाई दोनों सिंपल सिंपल पत्तियां बची है क्योंकि ये मैंने दोनों कट कर दिए, आप कोई भी ऐसे लोहे की पत्ती ले सकते हो। तो भैया ऐसे मैंने 3 पीस कट कर लिए, छोटी छोटी पत्ती कट कर लिए और देखिए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर कटिंग की है जिससे ये दोनों होल आपस में मिल जाए। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक वाशर लिया है और आपको ऐसा वाशर लेना है जो कि इस पत्ते थोड़ा सा पतला हो, जो भी आप लोहे की पत्ती लो उससे थोड़ा सा पतला होना चाहिए। और यहाँ पे ले रहा हूँ 150 का बोल्ट और भैया इस बोल्ट के अंदर यहाँ पे वाशर लगाओ और इसके सामने बिल्कुल, ये काफी मस्त जुगाड़ है और आपको काफी अच्छा भी लगेगा। थोड़ा सा टाइट कर देते हैं बिल्कुल दोनों को सीधा रखना। अब भैया इस हिंज पर कब्जे पे इसे हमें वेल्ड करना दोनों साइड से। तो गाइस ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बहुत इजी है। ये जो पत्ती है इन दोनों की जो गैप है, मैंने गैप कम रखा है, ये इसके अंदर फंसेगी, तो गाइस ये जहाँ पर फंसेगी वहीं ये रोक देगी। लेकिन गाइस देखिए अब ये फंस नहीं रही है क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा कम गैप रखा है, तो गाइस मैं थोड़ा सा नुकीला टाइप का करूंगा जो गाइस इसके अंदर आ सके घुसने में। देखिए ये इसमें आराम से इसके अंदर चला जाएगा, और भाई अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि गाइस आप जानते हो भाई ये काफी हार्ड है, अगर आप इसे अपने दरवाजे में लगाओगे तो गाइस आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। अभी यहाँ पे एक कमी है, देखिए अगर मैं यहाँ करूँ इतने में ही गाइस ये फंस रहा है, तो भाई ये मैं थोड़ा सा कोना कट कर दूंगा यहाँ से, अभी थोड़ा अंदर जाकर फंसेगा। तो भाई मैं फटाफट से पहले लगाता हूँ फिर आपको लाइव टेस्ट कराता हूँ। तो भाई साहब टेस्टिंग के लिए मैं 2 पल्ले 2 लकड़ी के पीस लेकर आऊँ, इन पर टेस्टिंग करूंगा, आप इसे अपना दरवाजा समझिए, ठीक है। वैसे गाइस डोर में 2 या 3 इंच लगे रहते हैं, आप उसके साथ भी से लगा सकते हो, ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर लगा लिया आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, फ्रेंड्स ये आप डोर समझिए और ये इसकी चौखट है, ठीक है, मैंने इस तरीके से यहाँ पर हिंज लगा दिया है। अब देखिए मैं इस तरह करता हूँ, ये इसके अंदर फंस जाएगा, देखिए ठीक है, देखिए ये रुक गया, ठीक है, इस पर फंस कर रुक गया, इसे खोल लाओ, देखिए ये खुल भी जाएगा,
देखिए ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक जैसे कि डोर क्लोजर का वर्क होता है, काम होता है, अभी ये डोर क्लोजर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल लाइव मस्त, हमेशा रोकना है, ठीक है। तो भाई ये पत्ती इसके अंदर दिख घुस जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना, देखिए ये आगे इस तरीके से। तो गाइस पल्ला यहाँ रुक गया है, अगर आपको और भी करना हो यहाँ पे इसे और आप करके यहाँ पे एक कील डाल सकते हो, यहाँ पे होल कर सकते हो, लेकिन ये मैंने इस हिसाब से रखा है, देखिए पल्ला आराम से रुका हुआ है, ठीक है, इसे थोड़ा सा मुझे ताकत लगा, देखिए ऐसे करनी पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये वही प्रिंसिपल है, देखिए रुक गया, खुल गया, तो भाई जब भी आप करोगे बहुत अच्छा ये वर्क कर रहा है, ठीक है, देखिए। तो भाई इन होल का ये काम है, आप इसे जब मिलाओगे ना अंदर इसके, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो और इसके अंदर होल करके कोई कील भी डाल सकते हो, अगर आपको बिल्कुल परमानेंटली यहाँ पर रोकना हो, जिससे गाइस आपको लगे भाई निकले ना, तो यहाँ पर होल कर दिया, वरना इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। वैसे ये ऐसे भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और गाइस अगर आपको सिंपल यूज करना हो, जैसे कि आमतौर पर हम यूज करते हैं, ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो गाइस मैंने आपको हर चीज विद प्रैक्टिकल करके दिखाई है, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताएं ये जुगाड़ आपको कैसा लगा, प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।